साथियों, हमने हर उद्यम को गले लगाने वाली सूरत स्पिरिट, ये सूरत स्पिरिट पे बल दिया। आज सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। इतना ही नहीं, आज सूरत दुनिया का चौथा सबसे तेजी से विकसित होता शहर भी है। सूरत भूमि पावन, तापी तट शुभसार, प्रगति ज्ञान निरंतर अने समृद्धि अपार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी अने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना अविरत प्रयासों थी गुजरात में चालती डबल इंजन सरकार द्वारा कंडारायल विकास ना फास्ट ट्रैक पर हरण फाड़ भरी रहू छे स्मार्ट सिटी सूरत। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ना ध्येय मंत्र ने चरितार्थ करता अनेक विकास कार्यो अने प्रकल्पो आजे सूरत वासियो ने थई रह्या छे समर्पित। सूरत ने विश्व फलक पर शिरमोर स्थापित करती ड्रीम सिटी खाते भव्य मेन एंट्रेंस गेट तथा विविध माळखाकीय सुविधाओं लोकार्पण अने विविध प्रकल्पों खातमुहूर्त कुल रूपया 369 करोड़ खर्चे माननीय प्रधानमंत्री श्री ना वरद हस्ते संपन्न थया। रूपया 70 करोड़ खर्चे निर्मित हजीरा रोपेक्स टर्मिनल नु लोकार्पण थता रोरो फेरी द्वारा थता माल सामान अने यात्रिकोनी अवर जवर ने बधु सुलभ अने सरल बनाववामा मळी छे सफलता। पाणी पुरवठाना कुल रूपया 996 करोड़ खर्चे लोकार्पित अने खातमुहूर्त थनार विविध प्रकल्पो पाणीदार सूरत बनाववाना संकल्प ने सिद्धि तरफ लई जशे। शहरना वेस्ट जोन में रूपया 271 करोड़ खर्चे सिरामिक बेस्ड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी नो उपयोग करी एक्टिवेटेड कार्बन साथेनो पीफास निवारण थई शके तेवो देशभर नो सौ प्रथम वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट सूरत शहर में आकार लेशे। GWSSB ना कार्यो हेठळ 84 अने ओलपाड़ खाते वरियाव RWSS फेज 1 अने 2 तेमज मांडवी मांगरोड अने उमरपाड़ा खाते बोरसद देगड़िया RWSS फेज 1 अने 2 ना खातमुहूर्त नु कार्य संपन्न थयु छे। रूपया 108 करोड़ ना खर्चे तैयार थयेल नवीनतम भवन सूरत अर्बन ऑब्जर्वेटरी एंड इमरजेंसी रिस्पोन्स सेंटर मा 1000 स्क्वेर फीट नी बे विशाल विडियो वॉल्स मार्फत समग्र शहर नु मॉनिटरिंग तेमज लगती दरेक सेवाओनी देखरेख राखवामां आवशे। सूरतनी धरोहर अने इतिहास जाळवीने उभेला सूरतना किल्लानुं रूपया 32 करोड़ खर्चे बीजा तबक्कानुं पुनःनिर्माण कार्य पूर्ण थता संपूर्ण किल्ला परिसरनो भव्य वारसो सूरतवासियोने थयो छे अर्पण। कांकरा खाड़ीने लगोलग 87.50 हेक्टर खुल्ली जमीनमां रूपया 139.15 करोड़ खर्चे साकार थनार वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क नुं खातमुहूर्त ग्रीन सूरत ने एक आगवी ओळख आपशे। स्वस्थ सूरत ना मंत्र ने चरितार्थ करता रूपया 253 करोड़ खर्चे कोयली अने मीठी खाड़ी ना विस्तारों ना क्रीक डेवलपमेंट विकास कार्यों नु लोकार्पण संपन्न थयु छे। आइकॉनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय केबल स्टेड ब्रिज पर ध्यान आकर्षक लाइटिंग तेमज अत्याधुनिक स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम तथा PPP धोरणे बनेला एयरपोर्ट आइकॉनिक रोड नु लोकार्पण सहित कुल रूपया 169 करोड़ ना खर्चे साकार थयेला अने साकारित थनारा कामो शहरीजनोनी सुविधामां अनेरो वधारो करशे। सूरत शहर एक गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अंतर्गत 500 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाववानो ध्येय राख्यो छे। प्रथम तबक्कामां विविध जाहेर स्थळों पर 25 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नुं लोकार्पण अने बीजा 25 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नुं खातमुहूर्त तथा ई बस डेपो वर्कशॉप अने टर्मिनल सहितनी कुल रूपया 51 करोड़नी विविध पर्यावरण लक्षी सुविधाओ सूरतवासियोने स्वच्छ आबोहवा प्रदान करशे। स्वस्थ सूरत माटे सुएज ट्रीटमेंट प्लांटना कुल रूपया 890 करोड़ना कामोनुं लोकार्पण अने खातमुहूर्त संपन्न थयुं छे। असरमां भटार अने बमरोली खाते सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नी क्षमता वधारवानुं कार्य तेमज वालक क्रीक खाते सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नुं निर्माण कार्य पूर्ण थयुं छे। 259 करोड़ खर्चे शिक्षण लक्षी विकास कार्यो शहरीजनोनी सुविधामां करशे वधारो। लिंबायत खाते मुक्तिधाम स्टाफ क्वार्टर्स साथे नवू फायर स्टेशन आरोग्य शिक्षण क्षेत्रे स्मीमेरमां 17 माळनी फर्निचर साथेनी PG होस्टेल અને નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં 1200 વિદ્યાર્થીઓ માટે 12 માળની બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ હોસ્ટેલ સહિત કુલ રૂપિયા 195 કરોડના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થયા છે। કતાર ગામમાં ડભોલી ખાતે અત્યાધુનિક સુવિધાયુક્ત લાઇબ્રેરી તથા મનોરંજન કેન્દ્ર નિર્માણ પામશે।
₹12 કરોડ ના ખર્ચે નિર્માણ પામેલ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી IIIT નું પ્રથમ ચરણ પૂર્ણ થયું છે. ₹112 કરોડ ના ખર્ચે વિવિધ બ્રિજ નું નિર્માણ કાર્ય તથા સાયણ ખાતે પાવર લૂમ ક્લસ્ટર ડેવલપમેન્ટ નું ખાતમુહૂર્ત સંપન્ન થયું છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત શહેરમાં સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ, અમૃત પ્રોજેક્ટ અને સ્વચ્છ ભારત મિશન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ગુજરાત શહેરી વિકાસ યાત્રા અવિરતપણે ચાલી રહી છે. આમ કુલ ₹3,472.54 કરોડના ખર્ચે જનહિતલક્ષી વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને અન્ય મહાનુભાવોની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં સંપન્ન થયું છે.